घंटा बजाइए घंटा टन टन टन। प्रमुख साहब प्लीज सरकार चलाना सबके पास, ये कांग्रेस घंटा बजाइए घंटा टन टन टन। प्रमुख साहब प्लीज सरकार चलाना सबके पास, ये कांग्रेस घंटा बजाने की बातें मत करना दोबारा कभी। पहले प्रवक्ता लिखिए घंटा बजाने की बातें मत करना, नहीं डिबेट करने लायक नहीं बचोगे। ज्ञान की बातें मत करना कभी, नहीं डिबेट करने लायक नहीं बचोगे। बैठने नहीं पाओगे, इतना बेइज्जत करूंगा अगर घंटा का नाम लेकर के ज्ञान की बातें की। जाके मदरसे में पढ़ के आओ और इस तीन सवाल का जवाब मिल जाए। मिश्रा जी यस, मिश्रा जी प्लीज, शिल्पी जी ना एक मिनट, ऑडियो नीचे ऑडियो नीचे ऑडियो। आप कभी ऐसे आपा नहीं खोते अपना, आज क्या हो गया आपको? हिरक सर, ये आपा खोने की बात है। ऐसे मदरसा छात्र तिलक साहब, आप एक विद्वान एंकर हैं, हमने आपके साथ हजारों डिबेट की है। ऐसे मदरसा छाप अज्ञानी को मत, बात ब्लैक मनी पे हो रही है, बात मैं वही कह रहा हूँ ना, उसी पर आइए ना मिश्रा जी। मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं करता। घंटा क्यों आ गया? अब मिश्रा जी ने क्लियर कर दिया, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं और हमारे खिलाफ भी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन उनकी बात में दम होता है, इसलिए सुनना भी पड़ता है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे साथ एके मिश्रा इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और राजनीतिक विशेषक हैं और अपनी बेबाक अंदाज के लिए तमाम न्यूज चैनल पर इनकी राय आप सुनते और देखते आए हैं। एक एक मिनट, हमाम साहब डिबेट कर रहे हैं, यहां से कंपेयर कर लीजिए। अरे 60 वर्षों में क्या हुआ देश के साथ? प्रमुख साहब मेडिकल कॉलेज खामोश नहीं है, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, डोंट डिस्टर्ब मी। एशिया का टॉप, आपकी बारी आएगी, आप इंतजार करिए। ये भोपू इलाइटी, ये भोपू बंद कराइए। मैं इस तरीके के प्रवक्ताओं से बहस नहीं करता। प्रमुख साहब हमाम साहब इनको हमाम साहब नहीं है। प्रमुख साहब प्लीज, प्रमुख साहब प्रमुख साहब प्लीज प्लीज, हमाम साहब प्लीज एक दूसरे का सम्मान करिए प्लीज। प्रमुख साहब प्लीज प्लीज, हमाम साहब मुझे एक बार बताइए, क्या किसी हमाम साहब ओके एक सेकेंड बंद कराइए, इस तरीके की बहस मैं नहीं करता। हमाम साहब प्रमुख साहब का ऑडियो उठाइए, थाली बजा रहे हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, ताली कैसे ठोक रहे चमकार बंदी, मुझे बीच चौराहे में फांसी दे दी जाए, अगर मेरी एक भी बेमानी पकड़ी जाएगी। आप घंटा बजाइए मिश्रा जी, मंत्री महोदय जी को जगता मिश्रा जी वापस मठ में, मिश्रा जी घंटा बजाइए, आप घंटा बजाइए मिश्रा जी, मंत्री महोदय जी को जगता मिश्रा जी वापस मठ में, मिश्रा जी घंटा बजाइए, देश चलाने की योग्यता एके मिश्रा, एके मिश्रा मैं एके मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। आप लोग चिल्लम चिल्ली से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं ऑडियो नीचे कर दूंगा। हमाम साहब एक एक करके प्लीज प्लीज, एक एक करके प्रमुख साहब प्रमुख साहब प्लीज, प्रमुख साहब प्लीज, घंटा बजाइए घंटा टन टन टन। प्रमुख साहब प्लीज सरकार चलाना सबके पास, ये कांग्रेस घंटा बजाइए घंटा टन टन टन। प्रमुख साहब प्लीज सरकार चलाना सबके पास, ये कांग्रेस पार्टी थी। प्रमुख साहब आज चुनावी रैली नहीं की आपने, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमने संस्थाएं बनाई, आप इसी पे राज कर रहे हैं, आज मोदी जी वही सब कुछ बेच रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं प्रमुख साहब? बीएसएनएल किसने बनाया? हमने बनाया था, आप बेच रहे हैं। एयरपोर्ट किसने बनाया? हमने बनाया था, आप बेच रहे हैं। अंबानी अडानी का गुलाम भारत नहीं होगा। एके मिश्रा मैं माफी चाहूंगा देरी से आने के लिए, सबका ऑडियो नीचे। अब एके मिश्रा जी ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये जांच की आंच पड़ी तो इतना तड़प क्यों रहे हैं ये लोग?
चावला जी देखिए, आपका जो एक बेसिक सवाल था पहले राउंड में आप पूछना चाहते थे, नोटबंदी की और तमाम मीजर लिए उसके बाद भी इतने जो है ब्लैक मनी निकल रही है, काला धन निकल रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो, तो अगर इकोनॉमिक प्रोसेस जो होता है उसमें देखें तो नोटबंदी करने के बाद ऐसा नहीं हुआ था कि भारत सरकार ने नए नोट मार्केट में सर्कुलेट नहीं किए थे। जब नए नोट सर्कुलेट किए थे और अगर यहाँ मार्केट में किसी भी पार्टी के लोग हों, कालाबाजारी करने वाले लोग रहेंगे, तो वो जो काला धन है फिर से रीअकरेंट होने लगता है रक्त बीज की तरह। ये एक प्रोसेस है, उसके लिए कॉन्टिन्यूस जो है इस तरह के प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। रही बात अब इस हम रेट पे आ जाते हैं, तो इसमें तो समाजवादी पार्टी ने उड़ता हुआ तीर ले लिया। जब ये पैसे पकड़े गए तो आईटी वालों ने तो कुछ नहीं बोला ये कौन से पार्टी के हैं, और मुझे ये लगता है कि शायद वो समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं है, कभी चुनाव भी नहीं लड़े हैं और प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर ये काले धन का विरोध करते हैं विपक्ष या समाजवादी पार्टी, तो जबरदस्ती उसको निर्दोष साबित करने के लिए उसकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं भाई, गलत आदमी का साथ क्यों दे रहे हैं? वो सरकार वगैरह साबित करेंगी कि वो काला धन था कि सफेद धन था, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। आप इतना डिफेंसिव हो रहे हैं उसके चक्कर में कि जैसे वो उसका पैसा ना हो के आपका पैसा है। इसके कारण ये विवाद और गहरा गया, बीजेपी ने इसका राजनीतिक फायदा ले लिया कि भाई आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, जब आप आगे आगे उड़ता तीर लेंगे तो आपके विपक्षी दल क्यों नहीं फायदा लेंगे। रही बात एक चीज और मैं बताऊं, जो घंटी और घंटा बजाने की बात कर रहे थे, ये मदरसा छाप जो डिबेटर बैठे हैं इनको मैं बता दूं, इनसे जरा पूछिए, मैं इनका ज्ञान देखना चाहता हूं कि ICICI बैंक का प्राइवेटाइजेशन किसने किया था, SDFC का किसने किया था, IDBI का किसने किया था, कुछ ज्ञान है किसने किया था? अरे भैया पढ़ के आओ मेरे प्रभु, मदरसा में जा करके पहले मदरसा में जाके पहले एडमिशन लो, पहले मदरसा में जाके एडमिशन लो। तुम्हें पता है IDBI ICICI SDFC बैंक का प्राइवेटाइजेशन किसने किया था? एयर इंडिया का क्या हुआ था पता है तुम्हें? मिश्रा जी तुम्हें पता है एयर इंडिया के साथ क्या हुआ था? जाके मदरसा में 5,000 उठक बैठक करो तब ज्ञान हजम होगा। ज्ञान की बातें घंटा बजाने की बातें मत करना दोबारा कभी, घंटा बजाने की बातें मत करना, नहीं डिबेट करने लायक नहीं बचोगे। ज्ञान की बातें मत करना कभी, नहीं डिबेट करने लायक नहीं बचोगे, बैठने नहीं पाओगे, इतना बेइज्जत करूंगा अगर घंटा का नाम लेकर के ज्ञान की बातें की। जाके मदरसे में पढ़ के आओ और इस तीन सवाल का जवाब मिल जाए। मिश्रा जी प्लीज, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आप कहां किस बात में कहां धर्म को नहीं प्लीज धर्म को इंगित कराने का कोई अधिकार नहीं है। डेढ़ रुपए का आदमी बैठ के धर्म बताने के प्रमुख साहब सोनिया गांधी मिश्रा जी प्रमुख साहब कहते घंटा पर आवाज उठाएगी मदरसे में जाकर घंटा नहीं चलके घंटी बजाइए। प्रमुख साहब कैसे बोलता है घंटे के बारे में? प्रमुख साहब घंटे का क्या पूरा लगाने की बात कर दूं? प्रमुख साहब प्लीज घंटे का क्या सच में जवाब लगाने की बात कर दूं? प्रमुख साहब प्लीज, मिश्रा जी प्लीज प्लीज, आप जिस मुद्दे पे थे उसी पे रहिए प्लीज। एक मिनट मिश्रा जी प्लीज, देवेंद्र प्रमुख साहब प्लीज, अब यही पे धर्मयुद्ध छेड़ोगे क्या? ये धर्मयुद्ध यही छेड़ोगे आप? यही धर्म संकट लगाओगे? ओके ऑडियो नीचे, ऐसे नहीं हो पाएगा प्लीज। मैं सिर्फ एक बात, शिल्पी जी जो बात मिश्रा जी ने उठाई मैं उसी पर आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि भैया इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये पैसा समाजवादियों का है इस वजह से परेशान हो रहे हो। अब जवाब दीजिए शिल्पी जी। और शिल्पी मैम एक मिनट सुन लीजिए, मैं बोलता हूँ जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो भी छापा डाले ना स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों को प्रयोग करके, निकलने दीजिए, काला धन पैदा होता रहेगा उसको रोकते रहिए निकालते रहिए ना। मैं तो स्वागत करता हूँ, काला धन हो गोरा धन हो जो भी धन हो वो धन जनता के सामने है। अब मुझे शिल्पी जी प्रमुख साहब हो गया प्रमुख साहब हो गया प्रमुख साहब प्लीज
प्रमुख साहब मैं इस कार्यक्रम को यही खत्म कर दूं। प्रमुख साहब आप चाह रहे हैं मैं सवाल ना पूछूं? प्रमुख साहब मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्रमुख साहब इन्हीं से डिबेट लगातार धर्म को इंगित करना प्रमुख साहब है ही नहीं। प्रमुख साहब और खासकर अगर कोई मुस्लिम प्रवक्ता बैठा है तो उसकी औकात बता दीजिए। प्रमुख साहब प्लीज पाकिस्तान नहीं है। प्रमुख साहब ये क्या कर रहे हैं? प्रमुख साहब क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप प्रमुख साहब? प्रमुख साहब मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। प्रमुख साहब हिंदू नेता की ताकत है उठाकर दिखाइए घंटा पर सवाल। प्रमुख साहब बीजेपी अलग है राजनीति अलग है और घंटा हम है सनातनी हम है सनातनी रक्षा के लिए बने हैं उसके बाद राजनीति है आप हिंदू है सिख है प्रमुख साहब किसी पर भी सवाल उठा सकते। प्रमुख साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा प्लीज। मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। आप कभी ऐसे आपा नहीं खोते अपना। आज क्या हो गया आपको सर? ये आपा खोने की बात है। ऐसे मदरसा साहब तिलक साहब आप एक विद्वान एंकर हैं हमने आपके साथ हजारों डिबेट की है। ऐसे मदरसा छाप अज्ञानी को मत बात ब्लैक मनी पे हो रही है। बात मैं वही कह रहा हूँ ना उसी पर आइए ना मिश्रा जी। मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं करता। घंटा क्यों आ गया? अब बात उन्होंने रखी आपने अपनी बात रख दी। बात खत्म करिए ना। इतने बुरे तरीके से बात नहीं रखी जा प्लीज 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 भावनाओं को प्लीज करने की बात है। प्लीज रही बात नॉलेज की तो चैलेंज है जिस दिन जिसको परखना हो बैठ जाए। हाँ, ठीक, मैं, हम कुछ मैं, आप, मैं आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट लेने नहीं बैठा। मैं प्लीज एक सेकंड मिश्रा जी प्लीज। प्रमुख साहब मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। मसला तो यही है ना कि आपने नोटबंदी की नोटबंदी के बाद जो एके मिश्रा कह रहे हैं कि इतना पैसा आया कहां से आया देखिए। और चुनाव से पहले ही ये छापे क्या ये सवाल नहीं खड़ा करते? तिलक सर मैं एक चीज और क्लियर करता हूं कि नोटबंदी की बात छोड़िए 2014 से जो बदलाव इस देश में आए वो 500 वर्ष का हिसाब है। जो 500 वर्षों में नहीं हुआ 60 की बात नहीं कर रहा स्पष्ट कर रहा हूं। 500 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 7 वर्षों में हुआ। 60 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 7.5 वर्ष में हुआ। उत्तर प्रदेश में जो 60 वर्ष में नहीं हुआ वो 4.5 वर्ष में हुआ। आप नोटबंदी पर चर्चा मत कीजिए सारी चर्चा कीजिए। ऐसी ऐसी चीजें बदली है और दुआ मनाइए वो चोर लोग की एक देही कार्ता आ गई। 2 वर्ष कोरोना काल में निकल गए नहीं तो बहुत लोग अब तक नंगे हो गए। मिश्रा ने एक वैलिड सवाल उठा मैं उसी पर आ रहा हूं। नोटबंदी के बाद नहीं एके मिश्रा कोई मैं ये कह रहा हूँ कि तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। जात का विषय है तो तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। बस काला धन है तो काला धन बाहर आना चाहिए वो चाहे किसी के पास हो ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ जो एके मिश्रा ने सवाल उठाया नोटबंदी के बाद इतना पैसा इकट्ठा कहां से हो गया। एके मिश्रा अपनी बात रखिए। देखिए मैं ये बोल रहा था इकोनॉमिक प्रोसेस देखिए नोटबंदी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैश का इनफ्लो मार्केट में नहीं किया। नोटबंदी के बाद भी नए नोट मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही दिए। अब चूंकि 120 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पे चीजों को मैनेज करना किसी भी गवर्नमेंट 100% मैनेज करना किसी भी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। 4.5 साल के अच्छा फर्जी भी अभी अरे सर आप मेरी बात सुनिए। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ चाला जी मुझे कॉन्सेप्ट पूरा कर लेने दीजिए। 4.5 साल के बाद ये लिस्ट क्यों आती है? अरे मैं बोल रहा हूँ सर मैंने तो विपक्ष के शिल्पी मैम बैठी है मैंने पूछिए ना विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं राजस्थान में क्यों नहीं बंगाल में क्यों नहीं जो है बॉम्बे में मार रहे हैं ये छापा मार रहे हैं। सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्टेट या इकोनॉमिक जगह हब तो बॉम्बे है। अगर विपक्ष की सरकारें हैं तो वहां क्यों नहीं मार रहे हैं बीजेपी वालों के यहाँ छापा? हो सकता है उनके यहाँ से भी 1,000-2,000 करोड़ निकले। जनता का भला जहां से हो ये रक्त बीज की तरह का कॉन्सेप्ट है। ब्लैक मनी हर बार ये बनता रहेगा हर बार इसको सफाई करने की जरूरत है।
अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना टाइट किया, सब लोग चिल्लाने लगे कि भैया ये कैश में इन्होंने बंद कर दिया इलेक्ट्रॉनिक, 100% अगर ये कर देंगे तब तो हालत खराब हो जाएगी। इतनी ढील दी हुई है, इतना कैश मार्केट में है, तब इतनी हालत खराब कर रहे हैं विपक्ष वाले, न जाने क्या क्या बता रहे हैं, घंटी और घंटा से उसको जोड़ रहे हैं। और अगर 100% इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए कैश, तभी ये ब्लैक की प्रॉब्लम तभी खत्म होगी, ब्लैक मनी की, जब 100% इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मनी ट्रांसफर का इंतजार करवा दीजिए। सर मेरा सवाल यही था कि 4.5 साल का इंतजार क्यों किया जा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ रोज छापे कारण है, 50 लोगों के घर मारो छापे ना, टाइमिंग के ऊपर सवाल है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि 4.5 साल क्यों इंतजार कर रहे हो? देखिए क्या होता है कि मैं 4.5 साल हो गए, 2500 साल से वो पीयूष जैन रहता था, उसके घर के बगल के लोग नहीं जान पाए, कन्नौज से अखिलेश यादव की वाइफ चुनाव लड़ती है, इतने दिन तक चुनाव लड़ी है, उनको नहीं पता चल पाया जब उनकी सरकार थी। ये 200-250 करोड़ कोई एक महीने 4 साल में जमा किया हुआ संपत्ति है। अखिलेश यादव की वाइफ जब वहां से चुनाव लड़ती थी तो उनको क्यों नहीं पता चल पाया, मुझे बताइए। हो सकता है उस गली में भी वो गई हो, वहां पे चुनाव वोट मांगने के लिए गई ही होंगी। है कोई जवाब आपके पास या चौधरी मैम के पास हो तो बताइए। मेरा ये जब पकड़ में आते मतलब हैं, आप ये कह रहे हैं कि 4.5 साल के बाद पकड़ सर, इसमें अपराधियों का कोई भरोसा नहीं। जब पकड़ में आ जाए, जब रेड हैंडेड हो जाए, कोई अपराधी 25 साल अपराध करता रहता है, 10 साल के बाद पकड़ में आता है, अब उसके लिए क्या करेंगे बताइए, क्या कर सकते हैं? ओके, मैंने इसीलिए ओपन कर दिया कि पक्ष विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं, धुआंधार आप लोग रेड मारिए, बॉम्बे में मारिए, कर्नाटक में मारिए। हमाम साहब ये कह रहे हैं कि भाई सरकारें तो आपकी भी राज्यों में है, कौन रोक रहा है? महाराष्ट्र में मारिए छापेमारी, कौन रोकता है? पकड़िए ऐसे धन पशु जो हैं, जो घूम रहे हैं, उनको पकड़िए। और आप विरोध कर रहे हैं उस बात का, तिलक जी, कांग्रेस पार्टी जो सरकार चलाती है वो लोकतांत्रिक वे में चलाती है, और हम हमारी जो कार्रवाई होती है उसमें पूरी पारदर्शिता होती है। इस तरीके से पक्ष और विपक्ष को देख के काम नहीं करती है, और हमने कार्रवाई किया। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, पौने 5 साल से कर रही थी, अब जब चुनाव सामने आया है इस तरीके की कार्रवाई हो रही। और मैं आपको बताता हूँ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो सिर्फ उन्हीं उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो विपक्ष थे, जो इंडिपेंडेंट थे, इनके दल के विधायक 170 ऐसे विधायक है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज। आपके हमारे जो विधायक पे आपके जो राष्ट्रीय नेताओं पर भी हैं, वो जमानत पर है, सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका भी, पता आपको कौन कौन थी? और आपकी पार्टी के जो दामाद है ना भाग्रा जी, वो तो उनपे तो डबल जमानत नहीं रखी है, उनपे तो विदेश शक्त की संपत्ति देने वाले हैं, ये सब जमानत ले लेकर घूम रहे हैं। क्या इनके बाबा का खाना करा चलता है? ये 60 वर्षों से देश का लोग की धज्जियां उड़ा रहे थे। मिश्रा जी, ओके, एक मिनट हमाम साहब मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे, क्या किसी कांग्रेसी नेता के यहाँ भी छापेमारी हुई क्या अभी? या क्योंकि अभी प्रमुख साहब बता रहे थे मुझे कि अभी रुक जाओ, अभी तो और छापे पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगा मुझे धमकी दे रहे हैं। वो लोकतांत्रिक वे में और हम, अच्छा आपके यहाँ नहीं पड़े ना अभी? अच्छा इनके यहाँ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अब पूछ लेता हूँ प्रमुख साहब, ये कांग्रेसियों के यहाँ पढ़ेंगे कि नहीं, पूछ लेता हूँ ना आपके सामने, एक सेकंड हमाम साहब, एक मिनट पूछ लेता हूँ, पूछ लेता हूँ पार्टी के, हमारी पार्टी की पूछ लेता हूँ प्रमुख साहब, ये हमाम साहब के यहाँ कुछ प्लान है क्या? लेकिन एके मिश्रा, ये छापे जो ये कह रहे हैं कि अपने राज्यों में छापेमारी करो ना, कौन रोक रहा है? प्रमुख साहब बोल रहे हैं, फिर मैं मिश्रा जी आपके नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, तिलक सरन की सरकार है, प्रमुख साहब हो गया ना, थोड़ी देर अब मोर्चा संभाल लेंगे एके मिश्रा, एके मिश्रा, एके मिश्रा मोर्चा संभाल लेंगे प्रमुख साहब, आप मौका ही नहीं दे रहे एके मिश्रा साहब को, अपनी खिदमत में कुछ बोलने का मौका नहीं दे रहे आप, एक मिनट रुकिए ना, संभाल लेंगे वो मोर्चा, एके मिश्रा जी एक सेकंड, हमाम साहब जी वो कह रहे हैं अपने राज्यों में छापे मारिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुत्ते को डाइवर्ट करने में माहिर है, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, कार्रवाई इस वक्त उत्तर प्रदेश की बात की हो रही है, आप पंजाब पहुंच जा रहे हैं, आप राजस्थान पहुंच जा रहे हैं,
जब राजस्थान के मुद्दे पे डिबेट होगी महोदय, अच्छा तभी बात करेंगे राजस्थान। काला धन राष्ट्रीय मुद्दा है, काला धन किसी प्रदेश का मुद्दा नहीं है। 2000 की नोट राष्ट्रीय संपत्ति होती है, प्रदेश कोई कोई प्रदेश की सरकार जो है नहीं छापती है। उत्तर प्रदेश में है कार्रवाई, अभी उत्तर प्रदेश में हो रही है, डिबेट का मुद्दा उत्तर प्रदेश का है, हमने कार्रवाई करके राजस्थान में देखा है, हमने 5 साल। अच्छा एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी हमने नहीं किया। अच्छा ओके ओके, कल तक सवाल सरकार से पूछने वाले आज। अच्छा मुझे एक बात बताइए एके मिश्रा जी, खैर वो अलग विषय है, लेकिन ये जो ठीक है आपका हृदय परिवर्तन हो तमाम बातें, लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था, ये चुनावी मौसम में जो झमाझम छापे पड़ रहे हैं, ये इससे कुछ संदेह होता है आपको? मुझे कोई संदेह नहीं होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने कई बार आपके डिबेट में भी बोला हूं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, इलेक्शन कमीशन के चरणों में वंदना करता हूं कि हे प्रभु 5 साल का इलेक्शन आप साल भर में कर दीजिए, क्योंकि सारी पार्टियां काम तो समय पे करती नहीं है, इलेक्शन होने के 2 साल पहले एक्टिव होती है, तो कम से कम इसी बहाने लास्ट ईयर में जाके, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे जो धुआंधार काम, समाजवादी पार्टी ने 100 से ज्यादा परियोजना का उद्घाटन अखिलेश भैया ने कर दिया था, 4 साल में नहीं किया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो इलेक्शन कमीशन अगर इस चुनाव को 5 साल से हटा के 1 साल में कर देना, तो टेन्योर कम होने के कारण जो है पार्टियों के ऊपर प्रेशर रहेगा परफॉर्मेंस का, तो वो इतना ज्यादा काम करेंगी, कम से कम लास्ट ईयर में ही काम हो, 5 साल के बराबर काम 1 साल में हो जी, तो ये भी जनता के लिए गनीमत है। ओके ओके, अभी ये मैसेज आया फेसबुक उस पर यूट्यूब पर कि लोग जानना चाह रहे हैं कि ये एके मिश्रा जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, मैं क्या बताऊं? मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हुआ, नहीं आप उनको सीधे से बता दीजिए। बता देता हूं, मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, और मैंने ऐसी कौन सी अपने सिद्धांत को बदलने वाली मैंने कोई बात नहीं कही है। मैं मानता हूँ, मैं पता नहीं क्यों ऐसे विरोध लगा होगा, लग गया होगा सर, उनको लग रहा होगा ना। हाँ लग रहा होगा, बीच में वो पूरा उन्होंने देखा नहीं होगा उन्होंने। प्रमुख साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे, मुस्कुराइए मत। वो मिश्रा जी कह रहे हैं मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, आप सोच रहे होंगे मेरी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं मिश्रा जी। खैर मैं एक बात शिल्पी जी आपसे जानना चाह रहा था, शिल्पी जी दोबारा से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है। मैं शिल्पी जी सीधा सी एक बात है, सीधी सी एक लॉजिक है, अगर काला धन पकड़ा जा रहा है, अगर पकड़ा जा रहा है तो ये तो खुशी की बात है ना, आप लोग इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम लोग कतई चिंतित नहीं है, हम पहले दिन से। और मिश्रा जी की बात का मैं जवाब दूंगी कि जो वो ये कह रहे हैं कि हम डिफेंस में कूद गए, नहीं 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 मिश्रा जी, अगर पूरे दिन पहले पीयूष जैन के घर पर जब छापा पड़ा, पूरे दिन हर समाचार चैनल ने चलाया समाजवादी पार्टी के इत्र व्यापारी के घर छापा पड़ा, तो ये करेक्शनल, ये मतलब इतनी बड़ी गलती से मिस्टेक हो गई टाइप की मिस्टेक थी, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उसके डिफेंस में ना आए, हैं? फिर आप कह रहे हैं आपने उड़ता तीर ले लिया। अच्छी बात है, ऐसा होता है कि कभी कभी भाजपा से दो दो क्या तीन तीन प्रवक्ता बैठ जाते हैं, अभी तो कम से कम निष्पक्ष हैं जो एंकर हैं। हमने तो ऐसी भी डिबेट देखी है कि जिसमें एक संघ विचारक, एक पत्रकार, एक वकील, एक भाजपा प्रवक्ता और पांचवें एंकर खुद भाजपा के प्रवक्ता होते हैं। नहीं मिश्रा जी, हमने आपका बात का जवाब दिया, और देखिए मैंने नहीं, हमको दो नहीं हमको 4 मिल जाएं, लेकिन हम निष्पक्ष बात करते हैं। आप अरे आप समाजवादी पार्टी वाले अकेले ही काफी हैं, आप लाठी लेके खड़े हो जाएं तो सरकार चल गई, हम अकेले ही काफी हैं। आपने जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया वो दिख रहा है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान वाली सरकार का धर्म नहीं निभा रहे थे आप, हिंदू धर्म निभाने पे आ गए थे आप, हिंदू और मुसलमान करने लगे, मदरसे वाले यहाँ पे बीच में क्यों लाया गया, नहीं नहीं मुद्दे पर आए। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, घंटा तो चर्च पे भी लगा होता है, घंटा चर्च पे भी लगा होता है। अगर वो आपकी पार्टी का नेता नहीं था तो आप घंटा नहीं देते कि हमारा कोई मतलब नहीं है, आप तो उससे रिश्तेदारी निभाने लगे। अरे शर्म करिए मिश्रा जी, चर्च पे भी घंटा लगा होता है, देखिए हमें किसी और से मतलब नहीं है, पता नहीं अरे चर्च पे भी घंटा लगा होता है, अगर कोई क्रिश्चियन होता तो वो बोलता शिल्पी जी, ना एक मिनट, ऑडियो नीचे, शिल्पी जी मजाक उड़ाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, ना एक मिनट,
ऑडियो नीचे मिश्रा जी ने क्लियर कर दिया, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं और हमारे खिलाफ भी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन उनकी बात में दम होता है इसलिए सुनना भी पड़ता है। मिश्रा जी ने क्लियर कर दिया, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं और हमारे खिलाफ भी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन उनकी बात में दम होता है इसलिए सुनना भी पड़ता है। ईडी अपना काम करेगी, दोष हम ही पर आएगा। एक है मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपका। काला धन बनना एक इकोनॉमी का दुष्प्रभाव टाइप का होता है, जहां कैश रहेगा वो बनेगा। सरकारों को रोकने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। और मैं विपक्ष को बोलता हूं कि अगर आपको लगता है ये राजनीतिक प्रक्रिया है तो आप कोर्ट में जाइए और अपने स्टेट में भी आप छापे मरवाइए। भला तो जनता का होगा, पैसा तो आरबीआई में जाएगा। आप अपने राज्यों में काला धन निकलवाइए ना, रेदर देन किसी को डिफेंड करिए। ऐसे जैसे कि कोई वो जीजा हो आपका या साला हो, इस तरीके से रिश्तेदारी मत निभाइए। ओके, जिसके यहाँ पैसा पकड़ा जाए वो सरकार को जमा करवा दीजिए आरबीआई में, उसका साथ मत दीजिए, उसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। ओके शिल्पी जी, समझ लिया आपने? समझ लिया ना मिश्रा जी, फंस रही है। टर्नओवर दिखा दीजिए, बात अगर चीजें मसाला की आ जाएगी तब तो हंसी आएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।